टेस्ट चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हम लोग हमारे यहाँ मशीन के द्वारा सिखवाया जाता है। सात से आठ घंटा 450 नंबर इंशाल्लाह। क्या में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है? डिवीजन चल रहा है या क्लास सिलेबस ही चल रहा है? देखिए एट्थ में ज्वाइन करता है तो बेहतर रिजल्ट होता है, और यहाँ पे अलग अलग टीचरों के द्वारा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लाए, क्या लगता है कि आप लोग भी ला सकते हैं? SST तो क्लास में याद करवा देते हैं, इतिहास करके अगर सर के बात पे चले तो आपको हम बोलते हैं रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। अब बेसिक मैथ क्यों स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो स्टूडेंट गांव से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, 10th में एडमिशन करवा लेते हैं, उसका मैथ बहुत कमजोर रहता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुफरान और आपका स्वागत है गुफरान रॉक स्टार यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे संस्थान आए हैं जिसका नाम है रेनबो क्लासेस, और यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट होते हैं प्रत्येक साल 200, 250, 300 तक। आइए हम लोग के स्टूडेंट से जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाई होती है और यहाँ के टीचर किस तरह पढ़ाते हैं जो कि इतना बेहतर रिजल्ट देते हैं। आइए सबसे पहले हम इसका क्लास रूम जाते हैं और यहाँ के स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करते हैं। आगे लोग देख सकते हैं ये कौन सा क्लास है भाई? 10th। आपका नाम क्या है? करामुल हक। कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट हो रहा है अभी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कौन सा टीचर पढ़ाते हैं? ये साकिब सर। कैसा पढ़ाते हो? ठीक ही पढ़ाते हैं। आइए और भी स्टूडेंट से जानते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान आलम। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम बांग्ला माजीपुर। आप रेनबो क्लासेस के बारे में कैसे जाने और कहाँ से आए? हम अपना भाई से जाने, वो यहाँ पे पहले पढ़े हैं। यस सर। कितना मार्क्स है उसका? 444। आइए और भी स्टूडेंट से जानते हैं, अभी कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट हो रहा है? केमिस्ट्री। आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हुआ? 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ टेस्ट। टेस्ट सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? टेस्ट सीरीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत अच्छा हम लोग को ये मिलेगा, सजेशन भी मिलेगा और हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा किस हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाता है और किस हिसाब से क्वेश्चंस को हल किया जाता है। और बहुत अच्छा लगा हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज लेने के बाद, हम लोग का डर सब चीज़ ख़त्म कर दिया जाता है यहाँ पे। ऐसा लगता है ना कि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे, हमारे सारे जितने भी दोस्त हमारे सब इंशाल्लाह अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। टेस्ट जो होता है यहाँ पे रिजल्ट मिलता है नहीं जी? रिजल्ट मिलता है समय पे। OMR कैसे चेक होता है? OMR यहाँ मशीन के द्वारा चेक हो जाता है। आपका नाम क्या है? नाम सकबर। अब तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी ठीक चल रहा है अभी। क्या लगता है टॉप कर सकते हैं हम? यस। कैसे टॉप कर सकते हैं? बढ़िया से एग्जाम में परफॉर्मेंस करके, टेस्ट सीरीज पूरा मेंटेन करके और बढ़िया से रूम में पढ़ाई करके कर सकते हैं। आइए और भी स्टूडेंट से जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साद अंजुम है। एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। कितना घंटा पढ़ लेते हैं आप लोग? 7 से 8 घंटा। आपका नाम क्या है? अबू दरदा। आप रेनबो क्लासेस कैसे आए? कोई दोस्त के जरिए आए थे यहाँ पे। दोस्त के जरिए से? दोस्त यहाँ पढ़े थे क्या? जी। क्या लगता है कि जिस तरह से चला यहाँ पे पढ़ाई हो रही है तो टॉप कर सकते हैं हम लोग? जी टॉप कर सकते हैं। सबसे बेहतर कौन सा सब्जेक्ट लगता है पढ़ने में आप लोगों को? मैथ और ज्योग्राफी। मैथ और सिलेबस कम्प्लीट हो गया आप लोग का? लगभग तो हो गया है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है? हो चुका है पूरा जी। क्या लगता है कि एग्जाम में तोड़ दीजिएगा आप लोग? हाँ, 450 नंबर इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जलगढ़ से। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होती है यहाँ? सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होती है, साइंस मैथ। जैसा कि आप बोले कि विनोद कुमार नाम है, यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है क्या स्पेशली? यस सर होती है। कौन सा टीचर पढ़ाते हैं? अर्जुन सर। अर्जुन सर पढ़ाते हैं। आपका संस्कृत सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है यानी? यस सर हो गया। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है या कोई दिक्कत भी होता है, मतलब कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है? नहीं सर, समझ में आता है सर, समय पर आता है सर। आपका नाम क्या? मोहम्मद आकिफ अज़र। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं रेनबो क्लासेस में? रेम में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है। एग्जाम्पल के थ्रू बोला जाए तो? एग्जाम के ऑल सब्जेक्ट्स यानी जितने भी एग्जाम में पूछे गए यानी जितने भी सिलेबस है 10th क्लास, मैट्रिक में जितना भी सब्जेक्ट है इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी सर, इंग्लिश का अलग क्लासेज है। इंग्लिश कौन सा टीचर पढ़ाते हैं? हैदर सर पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे हैदर से, उसके कोचिंग भी हैं। उसका कोचिंग का नाम क्या है? उसका कोचिंग का नाम हैदर क्लासेस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आपका नाम क्या है? मैं सलमा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है अभी, मतलब टेस्ट हो रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सा टीचर पढ़ाते हैं? नस्तर सर। नस्तर सर पढ़ाते हैं। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है नहीं? जी हाँ हो गया है, अभी रिवीजन चल रहा है। रिवीजन चल रहा है।
आप लोग रेनबो कब ज्वाइन किए? हम अगस्त में ज्वाइन किए थे। मेरा नाम तो मन्ना परवीन है। अब रेनबो कब ज्वाइन किए? हम दो महीना हुआ है। अब क्या लगता है मैट्रिक में कितना मार्क्स आ जाएगा? 400 प्लस आ जाएगा। आई और भी स्टूडेंट जानते हैं, आपका नाम क्या है? परवीन परवीन। कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट हो रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हो रहा है। आप लोग का सब ये टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट हुआ है? 10 तारीख से। 10 दिसंबर से। कब तक चलेगा? फरवरी, 9 फरवरी तक। 9 फरवरी तक। और क्लास कब तक चलेगा? क्लास 9 फरवरी तक। अभी क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है या क्लास सिलेबस ही चल रहा है? रिवीजन भी चल रहा है। रिवीजन चल रहा है। बाकी और भी क्वेश्चन जानते हैं, आपका नाम क्या है? इब्रत जहां। रेनबो इस साल आप लोगों के लिए क्या नया किए? रेनबो इस बार अच्छा टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्लस जोड़ के एक दिन लेते हैं, और हमको रेनबो अच्छा ही लगता है, बहुत फायदा हुआ है। आप किसके थ्रू रेनबो क्लास? मेरे भाई रखे हमको यहाँ। भाई रखे। बाकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं? पढ़ाई अच्छा ही होता है, अच्छा माहौल। जिस तरह रेनबो यहाँ पे टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ पढ़ाई कराते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, क्या लगता है इस बार टॉप देंगे रेनबो? हाँ इंशाल्लाह। आपका नाम क्या? सूफिया सरवर। कितना क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 10th। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट का टेस्ट हो रहा है सब 10th में है? हाँ। टेस्ट सीरीज चल रहा है? हाँ। क्या लगता है कि आप लोग टॉप कर सकते हैं? हाँ इंशाल्लाह। तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का? अच्छा चल रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सालिक। आप रेनबो क्लासेस कब ज्वाइन किए? जुलाई में। अगर कोई रेनबो क्लासेस ज्वाइन करता है तो कब करना चाहिए, 8th में, 9th में या 10th में, जो कि बेहतर रिजल्ट हो? देखिए 8th में ज्वाइन करता है तो बेहतर रिजल्ट होता है। यदि अगर कोई बच्चा 8th में नहीं आ पाता है तो 15 फरवरी को क्लास यहाँ शुरू होता है, अगर ये 15 फरवरी को आ जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। आइए और भी स्टूडेंट से जानते हैं, आपका नाम क्या है? सानिया नसीम। आप ये बताइए कि कोई छात्र अगर यहाँ पे आना चाहते हैं मैट्रिक की तैयारी करने के लिए तो वो कब ज्वाइन करें रेनबो क्लासेस? 15 फरवरी। 15 फरवरी। आइए और भी स्टूडेंट से जानते हैं, आपका नाम क्या है? अब्दुल गुफरान। आप ये बताइए कि 2024 में आने वाले छात्र जो 10th में आएंगे वो रेनबो क्लासेस क्यों आए, और यहाँ पे किस तरह पढ़ाई चल रही है जो रेनबो क्लासेस आए और यहाँ से टॉप करके जाए? जी यहाँ पे जो यहाँ की जो तैयारी होती है यहाँ सबसे बेहतर तैयारी होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बुकलेट निकाले जाते हैं हर साल, और यहाँ पे अलग अलग टीचरों के द्वारा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ पे बेहतर से बेहतर एजुकेशन दी जाती है। इसलिए लगभग यहाँ पे कितने बुकलेट हैं, एग्जांपल में बताएंगे उसका सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट बुकलेट निकाले हैं सर? जैसे कि हमारे उर्दू के अलग से बुकलेट हैं, और हिंदी के बुकलेट हैं, और सोशल में सारे बुक्स के अलग अलग बुकलेट हैं, और इंग्लिश के भी बुकलेट हैं, और मैथ का भी है क्या? नहीं सर, मैथ का बुकलेट नहीं है, ऑब्जेक्टिव बुकलेट हैं। ऑब्जेक्टिव है। अब मैथ सर कैसे पढ़ाते हैं, मतलब जो आप लोग को समझ में आता है या नहीं, क्योंकि खासतौर से बिहार बोर्ड के छात्रों का जो है मैथ बहुत बिगड़ता है, आप लोग को क्या लगता है सर जो पढ़ाए हैं आप लोग का अच्छा हो गया है या अच्छा करना होगा, क्योंकि समय भी कम है आप लोगों को? जी मैथ यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज सर जो कि अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, और हम लोगों को क्लास में ही समझ में आ जाती है। क्लास में समझ में आ जाती है। आप लोग रिवीजन भी करते हैं मैथ का? जी हम लोग मैथ का रिवीजन भी करते हैं और चेक भी कराते हैं रिवीजन को। देखिए पिछले साल मतलब कि 2021 में यहाँ से मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं, क्या लगता है कि आप लोग भी ला सकते हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आइए और भी छात्रों से जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अज़र आलम है। जिस तरह की भाई बताए कि मैथ में 100 में से 100 मार्क्स ले आ सकते हैं, आपको लगता है कि आप ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी से मैथ पढ़ाते हैं सनवाद सर, और इतना अच्छा कंटेंट देते हैं हम लोग को कि इससे हम लोग जो है ना 100 में 100 ला सकते हैं मैथ। तो मैथ को छोड़ के अगर हम बात करें साइंस हो गया, साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया या उर्दू हो गया या हिंदी हो गया, उसमें से 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग की कोचिंग में जो कंटेंट बहुत अच्छी दी जाती है, और यहाँ जो है सर क्लास में ही समझा देते हैं, और SST तो क्लास में ही याद करवा देते हैं इतिहास सर। उर्दू कौन पढ़ाते हैं? उर्दू हम लोग को दाऊद इमाम सर पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हो? वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उर्दू। आपका नाम क्या है? बशीर। आपको फरवरी मतलब 14 फरवरी से एग्जाम? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है पहला दिन? हिंदी होगा। हिंदी होगा। और दूसरा दिन सर? सोशल साइंस। साइंस।
तो रेनबो क्लासेस आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट दे रही है या नहीं? सर दे रही है। दे रही बिल्कुल जी। और तैयारी हो गया आप लोगों का? जी सर। क्योंकि रेनबो क्योंकि कोई भी कोचिंग है उसका काम होता है सिलेबस कंप्लीट करना, लेकिन तैयारी जो करना होता है वो स्टूडेंट को करना होता है, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सर तैयारी करना, रिवाइज सिलेबस सब खत्म करवा करना। मगर ये इससे जानते हैं आपका नाम क्या है? अबूजा राना। आप भी टेंथ में? जी। क्या आप ये बताइए कि जो छात्र 2024 में यानी फरवरी के बाद शायद टेंथ में जो आएंगे उनको आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे कि वो क्यों यहाँ पे आए? और यहाँ की यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम सजेस्ट देना चाहेंगे सर जो मतलब कि सर सब जो कहते हैं उसके बात पर अमल करना चाहिए सबको, कि सर अगर कहे कि इतना तुम पढ़ो, इतना तुम अगर मैथ रिवाइजिंग करने दिए तो अगर दो चैप्टर का दिए तो दोनों चैप्टर वो रिवाइजिंग करके अगर सर के बात पे चले तो आपको हम बोलते हैं रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है आप कितना मार्क्स लाने वाले हैं? इंशाल्लाह 450+। देखिए आपका नाम क्या? सादान बाबू। मैथ यहाँ पे कौन सा टीचर पढ़ाते हैं? सनवास सर। और यहाँ पे बेसिक मैथ भी पढ़ाया जाता है। बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ कौन सा टीचर पढ़ाते हैं? नस्तर सर। नस्तर सर पढ़ाते हैं। अब बेसिक मैथ क्यों स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो स्टूडेंट गांव से आते हैं डायरेक्ट आते हैं टेंथ में एडमिशन करवा लेते हैं उसका मैथ बहुत कमज़ोर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे शुरू में बेसिक मैथ भी पढ़ाया जाता है 4-5 महीना, जिससे उसका मैथ वीक जो रहता है वो ठीक हो जाता है। जिस तरह की आप बताएं कि मैथ बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, और भी सब्जेक्ट है जिस तरह की साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी उर्दू हो गया, तो बहुत कोई का मतलब वीक होता है तो वो सभी उन लोगों का भी बेसिक चलता है क्या? तो उर्दू की बात जहाँ रही वो उर्दू दाव सर शुरू में ही मतलब कि जो बच्चे वीक होते हैं उसको अलग से क्लास दिया जाता है, उर्दू का अलग से कंटेंट भी दिया जाता है बेसिक टाइप का। जैसा कि आप सुने कि यहाँ पे बेसिक मैथ यानी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाई होती है, और बात करें जैसा कि आप यहाँ के स्टूडेंट ने भी बताया कि मैथ का जो टीचर है शहनवाज सर वो भी बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, और भी जितने फैकल्टी हैं सारे टीचर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन दे रहे हैं। जो कि यहाँ का हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो अब तक यहाँ पे 459 मार्क्स आए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर रिजल्ट बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र यहाँ पे लिखा हुआ कि 1000+ RCNs पास्ड इन बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द। थैंक यू।